हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आपको iOS 17 का लेटेस्ट अपडेट शो नहीं हो रहा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये अपडेट कैसे शो होगा। सो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे को iOS 17 का स्टेबल वर्जन जो है वो 6.25 GB का शो हो रहा है, और आपको आपके किसी भी डिवाइस में ऐसा शो हो सकता है। आप किसी भी आईफोन में इंस्टॉल कर सकते हो जो सपोर्टेड है। अगर आपको भी इंस्टॉल करना है तो आपको दोस्तों मुझे फॉलो करना है। सो सबसे पहले आपको करना क्या है गाइस, अपने आईफोन में जस्ट सेटिंग्स में जाओ। यहाँ पर आपको स्वाइप अप करना है, जनरल सेक्शन में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन में आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। अगर ये आपको अपडेट देखने को नहीं मिल रहा तो ये कैच क्या है, ये ट्रिक क्या है। सो दोस्तों, आज है 13th of September, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। 13 September की 13 तारीख है। और दोस्तों, अगर आपको ऑफिशियल स्टेबल वर्जन iOS 17 का इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में तो आपको 18th of this month तक वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 18 तारीख तक आपको वेट करना है, क्योंकि एप्पल ने सितंबर की 18 तारीख को ऑफिशियल स्टेबल वर्जन iOS 17 का लॉन्च करना है। सो दोस्तों, अगर आपको ऑफिशियल स्टेबल वर्जन, बग फ्री वर्जन चाहिए तो आपको 13 से लेकर 18 तक वेट करना है। 18 की सुबह को आपको ये अपडेट आपके फ़ोन्स में देखने को मिल जाएगा। और आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए जस्ट सेटिंग्स में जाना है, अगेन फिर जनरल सेक्शन में जाओ, सेटिंग्स में जाकर फिर सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन पर जाओ तो आपको ये अपडेट शो हो जाएगा। अगर नहीं शो हो रहा तो आप अपना नेटवर्क कनेक्शन चेंज करके देखो, वाईफाई से कनेक्ट करो या हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई कनेक्ट करो तो आपको ये जो फ़ोन है वो अपडेट शो कर देगा। और दोस्तों, अगर आपको अपने फ़ोन में शो नहीं हो रहा तो आप ये चीज़ चेक करो कि क्या आपका फ़ोन सपोर्टेड है या नहीं। सो मेनली मैं आपको बता दूं कि आईफोन XR से लेकर आईफोन XS, XS मैक्स या इससे आगे वाले डिवाइसेस सपोर्टेड हैं। आईफोन 10, आईफोन 8, आईफोन 8 प्लस सपोर्टेड नहीं है। सो अगर आप इन डिवाइसेस पर ट्राई कर रहे हो तो आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिलने वाला। सो दिस इज़ द सिंपल वीडियो। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।